हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कटहल और आलू की सब्जी विदाउट अनियन गार्लिक। तो आप लोगों को अगर पसंद है तो ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छा लगे तो रेसिपी को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कटहल और आलू की सब्जी बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक मसाला बनाऊँगी। तो मैंने स्टार लिया है एक और तीन लविंग और तीन इलायची का दाना मैंने निकाल लिया है और दालचीनी लिया है छोटे छोटे दो टुकड़े। तो इसे भूनना है और कुछ ब्लैक पेपर लेना है, जैसे कि 5-6 ब्लैक पेपर। आप जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं ब्लैक पेपर। तो इन मसालों को अच्छे से भूनना है। तो भूनने के बाद इसका एक पाउडर बनाएंगे। साबुत मसाला को अच्छे से मैंने भून लिया है, अब इसे निकाल लेते हैं। कढ़ाई में 3 टेबल स्पून सरसों का तेल ऐड करना है। मैं सरसों के तेल से बना रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइन ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से ज़्यादा टेस्टी बनती है ये सब्जी। तो मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, आलू को ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है और थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के अच्छे से भून लेना है पोटैटो को। आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। आलू को फ्राई करने के टाइम ऐसे चलाते रहना है ताकि आलू अच्छे से फ्राई हो जाए चारों साइड से। और आलू फ्राई हो गया है, अब इसे निकाल लेना है एक प्लेट में। तो मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं एक मसाला का पेस्ट बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का टोमेटो लिया है और इसमें ऐड करना है अदरक और ग्रीन चिली। तो मैंने एक ग्रीन चिली लिया है, आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं चिली को। और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। तो इसी का ही पेस्ट बनाना है। और जो ऑयल में आलू फ्राई किया था ना, उसी ऑयल में मैंने 2 तेज़पत्ता और 1 सूखी मिर्च को तोड़ के डाल दिया है और 1/2 टीस्पून हींग ऐड करना है। और इस मसालों को थोड़ी देर भून लेना है कुछ सेकेंड तक, और फिर इसमें ऐड करना है जो पेस्ट किया हुआ मसाला है उसे ऐड कर देना है। ये सब्जी में मैंने ओनियन और गार्लिक यूज नहीं किया है, तो प्योर वेज सब्जी है, कभी भी आप बना सकते हैं। तो आप लोगों को अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ रेसिपी को ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने जो जार में थोड़ा सा मसाला लगा था तो उसे धो के मैंने इस कढ़ाई में ऐड कर दिया है। और अब ड्राई मसाला ऐड करना है। तो मैंने 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करना है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करना है। 1 ग्रीन चिली पहले ही मैं मसालों में ऐड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस मसालों को अच्छे से भून लेना है। कटहल को मैंने कुकर में बॉईल कर लिया है और कटहल का साइज़ जैसे आलू का साइज रखा है ना, वैसे ही कट कर लिया था। और यहाँ पे मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ कटहल को, जो बॉईल करके रखा था। मसाला को अच्छे से भून लिया है, अब ऐड करना है फ्राई किया हुआ आलू और फ्राई किया हुआ जो कटहल उसे ऐड कर देना है और थोड़ी देर इसी तरह से मसालों में भूनना है सब्जी को। ये सब्जी बनाने के लिए कच्चा जो कटहल होता है ना उसे लेना है, पक्का वाला नहीं लेना है। तो थोड़ी देर इसी तरह से भून लेना है और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अब पानी ऐड करना है। तो मैंने 1 ग्लास पानी ऐड किया है सब्जी में, मिला देंगे सारे सब्जी को। सब्जी को कुक होने के लिए कवर कर देना है। और कटहल को मैंने कुकर में बॉईल कर लिया है, लेकिन आलू को बॉईल नहीं किया था तो इसीलिए आलू को थोड़ी देर टाइम लगेगा बॉईल होने में। तो ये देखिए आलू भी अच्छे से बॉईल हो गया है, तो सब्जी रेडी है। तो लास्ट में थोड़ा सा मैं तड़का लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं सब्जी को साइड कर दूँगी। और एक तड़का पैन लिया है, इसमें 1 टीस्पून घी लेना है। और मैंने जो पहले मसाला बना के रखा है ना साबुत गरम मसाला का, तो घी मेल्ट होने के बाद मसाला ऐड कर देना है। मसाला को घी में डालने के बाद ही हम जो सब्जी बनाए हैं सब्जी के ऊपर डाल देंगे कुछ इस तरह से, और मिक्स कर देना है सब्जी को।
तो सब्जी एकदम रेडी है। तो आप लोगों को अगर ये रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये सब्जी आप रोटी सब्जी राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, प्योर वेज रेसिपी है। लास्ट में मैंने जो तड़का लगाई उसे स्किप मत करना। तो चलिए फिर मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।